अभी जो हमारी यंग जेनरेशन है वो जूझ रही है, लेकिन वो रास्ता तलाश नहीं पा रही है कि हमें रास्ते में कहाँ अड़चनें आ रही, क्या नहीं आ रही हैं। और हमारे सीनियर लोग हैं वो भी हैं, कुछ घर में बैठ कर गॉसिप भी करते हैं, लेकिन हम उस काट का को कैसे उस काट को ख़त्म करें जो आज चल रही है पूरे देश के अंदर, उस काट की बात हैं, उस काट को कैसे हम करें। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि जो हमें जुमलेबाजी में लोग बातें करते हैं, हम उन बातों को इग्नोर करें, उन जुमलेबाजी पर ना जाएं और हम अपने सिद्धांत को लेकर चलें और एक दूसरे की काट न करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा बात है। ये जो हमारे अभी जो 2 अप्रैल की बात हो रही थी, वो इतना बड़ा हमारा अचीवमेंट था, इतना बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन सक्सेस के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। क्यों? इसमें हमारी कोई तो कमी रही है, या किसी ने मतलब इस पर कोई, या लो फॉल है कहीं, लो फॉल भी हो सकता है। हम ये ना समझें कि हम सब यहाँ भी बैठे हैं, मेरे में भी हो सकता है। तो हम उस लूप होल की कमी को भी हमें ढूंढना होगा कि कहाँ से ये लूप होल हो रहा है, क्यों हम सक्सेस नहीं आ रहे हैं। हमारे इतने इतने बड़े सीनियर बच्चे, इतने यंग बच्चे को रात में, हमारी बेटियों को घर में घुस करके मारा जा रहा, हम क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? हम क्यों बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के पदचिन्हों पर क्यों नहीं हम चल पा रहे हैं? एक अकेले इंसान ने दुनिया को दिखा दिया, लेकिन आज इतना हमारा समाज है, इतना ग्रो कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, हमारे IAS ऑफिसर को डिफीट किया जाता है, इतना कुछ टॉर्चर किया जाता है, हम क्यों नहीं ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं? हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें एक इस पर एक SIT गठित करनी चाहिए, एक ऐसी भूमिका बना के लोगों को बीच में मतलब ये रखना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को लो कि जो जैसे मतलब यहाँ बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं और सभी मतलब सब अपनी अपनी भाषा में सब भी वो परफेक्ट हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, इतने मजबूती के साथ मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, कहीं नहीं हमें देखने को मिल रहा है। और हमारी काट का एक बार हमारी वो हो जाती है तो उसका जो जवाब आता है वो ऐसा जवाब आता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये जवाब ऐसे कैसे दे दिया गया है। तो ये सारी जो कमियां हैं और हमारी जो नई पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, वो पूरे जद्दोजहद के साथ मतलब मैदान में खड़ी हुई है, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के, रोजगार तो है ही नहीं कुछ, रोजगार तो सब खत्म हो गए। तो ये भी हमें सोचना है, हम इसी बात को लेकर कि हमारी स्ट्रेटजी जो आज उन्होंने बताई है कि हम आगे क्या हमारी वो होगी भूमिका, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो आज यहाँ कुछ हमें डिसाइड करके जाना है। मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि अभी आज हमने एक पेपर में पढ़ा है कि RSS के लोग अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारे ये जो हमारा क्या है, उस RSS का जो सुप्रीमो है, हम नाम नहीं लेना चाहते, हमें बहुत ख़राब लगता है इन लोगों के नाम लेने से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो अमेरिका में जा रहा है कॉन्फ्रेंस करने। इसी बीच को लेकर जो यहाँ अभी बात चल रही है, इसी को लेकर और इसी मुद्दे पे थोड़ा मैंने उस टच को भी लिया है कि मतलब कि वो अमेरिका में जा रहा है अपने ये दिखाने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ये भी उसने कहा है कि ये बातचीत 70 कंट्री के मीडिया वहाँ आ रहे हैं, 70 कंट्री के, और ये हो रहा है कि इसमें किसी को इजाज़त नहीं है जहाँ मीडिया वाले उनसे कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, वहाँ इजाज़त नहीं होगी। ये आप सोच लीजिए, ये आज की न्यूज़ है, आज पेपर की न्यूज़ है कि उसको इजाज़त नहीं होगी और वो और यहाँ भारत में बताई भी नहीं जाएगी आगे। आप सोचिए हम कहाँ बैठे, वो जो सोचते हैं उनको देखो, जिनके पास दिमाग नहीं है, जो गोलगा से गंगा से लेके यहाँ तक आए हैं, वो क्या सोचते हैं, जो यहाँ इस देश के हैं ही नहीं। और हम इस देश के निवासी हैं, हम क्यों ऐसे उखड़े उखड़े से रहते हैं, क्यों नहीं एक उसमें आते हैं, एक पूरी कॉन्फ्रेंस करके हम ऐसे लोगों को ले आएँ कि एक एक
टाइम बीइंग वो बना दिया जाए कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, इसका काम ये होगा, ये कमेटी ये बनाएगी, कई कमेटियां बना दी जाए। यहाँ सभी लोग इंटेलिजेंट बैठा है, हमारा यंग बहुत बैठा हुआ है, तो क्या, और ये यही जूझ रहा है यंग। ये संदीप वाल्मीकि को हम सुनते हैं, उनका हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये भी अकेले जूझ रहे हैं अभी इस समय। इनका अब साथ देने वाले थोड़े बहुत लोग आए हैं, हम बिखरे हुए भी हैं। मैं यहाँ चेतावनी देना चाहती हूँ कि हम यहाँ से सुन के तो जाते हैं, बात तो करके जाते हैं, लेकिन घर में जाके भूल जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं 75 साल की कंप्लीट होने वाली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, महिलाओं की कमी है, बुलाओ तो जाती नहीं है, सिर्फ कहीं मंदिर में चली जाती कहीं। तो हमारे जो मेन लोग हैं वो घर में जाकर उनको समझाएं और ले आए, कम से कम इनको मीटिंग में तो लाना चाहिए, चार बातें तो कहनी चाहिए। नहीं बोलना है तो यहाँ बैठे तो रहें, हमारी ग्रोथ तो हो कि मेरी महिलाएं कितनी आ रही हैं, वो नहीं आ रही है, घर से नहीं निकल रही है, कि हमें सबसे बड़ा दर्द है। और हमें जब मैं फ्रंट में आई तो मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था। मैं अकेली थी जब मैंने पीवी सिलेंडर सुना रहा हो कि मैंने अपने 3 महीने के बच्चों को पड़ोसी को छोड़ के और वहाँ क्या कहते भूख हड़ताल की थी। उस समय पीवी नरसिंह रहा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे और उन्होंने पालका बाजार को वो पालका बाजार की वो थी ना वो 5 साल की उनकी हमारे लेबर की जो सफाई कर्मचारी थे उनको रिन्यू नहीं कर रहे थे, उसके लिए हमने वहाँ पर भूख हड़ताल की थी जाके हैं। तो तब भी हमारे साथ कोई नहीं था और आज ये देखो हम लोग हैं, लेकिन बैठी हैं 2-4 महिलाएं आई हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बेटा घर से निकलो, घर होते ही है, लेकिन बाहर निकल के देखो कि हमारी बहू बेटी की कोई इज्जत ना खराब कर दे। घरों में भी आजकल घुसकर रोके हो रहा है, ये हम थोड़ा सा हमें इमोशनल होना हो गए हैं, सो इसलिए मैं घर वालों की भी बात कर रही हूँ कि घर में भी हमारे वो नहीं होता है, हमारे घर की बहू बेटियों को खींच खींच के, कल भी देखो जिस दिन उठो तो हमें वो भरा मिलता है पेपर में कुछ ना कुछ। अभी देखिए अभी रवीश ने भी गए थे वहाँ पर फिलीपाइन, वहाँ पर उन्होंने देखो कहा था, वो डरे नहीं, उनको कितनी धमकियाँ मिली। हमें डरना नहीं चाहिए, अब एकता की मिसाल अब हमें दिखाना है और जल्दी से जल्दी इसका यदि आपने आज नहीं किया तो बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेगी, फिर हमसे संभाला नहीं जाएगा। सो हमने चेताया है, सिर्फ इतना चेताया है कि एक थोड़ा सा चेताया है लेकिन सीरियस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आगे आप देखना चलते। तो हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें कम से कम बहनों को आगे निकल कर फेस करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। घर में निकल के कुछ नहीं होता है और ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पर महिलाओं को कुछ देखने का और समझने का एक स्कोप है, वो कहीं मंदिर चली जाती, कभी ये हम रोक नहीं पा रहे हैं, अभी रुकते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें मुखर होकर के एक नई पीढ़ी की जो जंग जारी है उसमें हमें सपोर्ट करना है, नई पीढ़ी में मुखर होकर करना है। लेकिन एकता में अनेकता होती है, हमें अटैक करना भी आता है लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि नहीं करते हैं कि हम डर जाते हैं कहीं हमें जेल में नहीं डाल दिया जाए। अरे जेल में तो सबको डाला जा रहा है तो क्यों डर रहे हैं, हमें जेल जाना भी पसंद है। मैंने हाउस अरेस्ट हुई हूँ, प्रमिला धनबते और मधु धनबते थे इस समय में, प्रमिला धनबते के साथ मैं हाउस अरेस्ट हुई हूँ। मैं कई बार मंदिर मार्ग पर वहाँ मुझे छोड़ा जाता था, अलीगढ़ यहाँ से गाजियाबाद से लेके अलीगढ़ की मैंने पदयात्राएं की हैं। मैं अपनी उपलब्धियाँ नहीं गिनाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना मोटिवेट करना चाहती हूँ यहाँ नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी बन रही है कि आप घर में आकर के निकालो। मैं अपनी उपलब्धियाँ गिनाने नहीं आऊँ, वो तो गिनाना बस की बात नहीं है। हमसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन मैं फ्रंट में हर जगह गई। मैंने जब छापे डलवाए थे, आपको पता है तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ कैसी निकली थी, आपको पता है वहाँ से कुशीनगर से हमने किसी को भेज के कुशीनगर से, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वो अभी हमने जो बात यहाँ हमारी चल रही वो नहीं कर रही हूँ। वहाँ से हमने एक लड़के को भेज के पेपर की कटिंग मंगवाई, पेपर हमारे साथ, मैं कटिंग नहीं लेके आई हूँ। और इसके बाद फिर मैं सबसे पहले मैंने वहाँ गई, ये जो ITO पे वो ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस, वहाँ गई तो हमें वहाँ
ये मिले क्या कहते कोई मिला तो उन्होंने कहा दीदी आप यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा मैं कमिश्नर साहब से मिलने आई हूँ, मेरे हस्बैंड साथ में थे, मिस्टर खुलिस साथ में थे और वो लड़का साथ भी था जो वो कुछ प्रूफ लाया था। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कमिश्नर साहब नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा फिर कितनी देर में, कहते पता नहीं दीदी कितनी देर में आएंगे, तो आप विजिलेंस कमिश्नर के पास चले जाइए। वहाँ विजिलेंस कमिश्नर बैठे थे तो ऑफिस वालों ने मुझे विजिलेंस कमिश्नर के पास नहीं जाने दिया। मैंने कहा मैं जब तक जाके नहीं मिलूंगी कमिश्नर से मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। मिस्टर कुरी कहने लगे कि नहीं कोई बात नहीं कल। मैंने कहा नहीं आज ही हमें मिलना है। वहाँ जब हमने एक चिट लिख के भेजी तो उन्होंने कमिश्नर साहब ने ऑफिस वालों से बोला मैं एक अपना ये लिख के भेजती हूँ और फिर आप इसको दे दीजिए। मैंने उनको लिख के दिया तो कमिश्नर साहब ने हमको बुला लिया। अब आप सोच सकते हैं वो कमिश्नर अपने ही निकले, वो कमिश्नर सर विजिलेंस कमिश्नर वो अपने ही थे, आप शायद नाम जानते हो, वो अपने ही थे। तो उन्होंने कहा वहाँ पाँच छः लोग बैठे थे कि हाँ बैठो आप, हाँ क्या है। मैंने कहा सर इनको अभी जाने दीजिए बाद में बताते। वो मैंने सारे प्रूफ बताए और वहाँ पर मुझे 6-7 बज गए थे, मैंने सारे प्रूफ दिए तो उन्होंने बिना देर किए उन्होंने कहा कि आपके पास गाड़ी है। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके गए थे लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं, मैंने झूठ बोला वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी मैं मंगवा रहा हूँ, उसने दो लोगों को उन्होंने बिठाया, एक ड्राइवर थे एक और ऑफिसर को बिठाया और हम सब लोगों को वहाँ पर ले गए। ये जो जामा मस्जिद है उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है ना उस इसमें ये अरे जो अरे अरे क्या है पोस्ट ऑफिस नहीं वो जिसमें देखो मैं नहीं नहीं ना 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 ये क्या कहते पुलिस जहाँ बैठती पुलिस स्टेशन है ना जामा मस्जिद के पीछे। तो हाँ पुलिस स्टेशन था तो वहाँ गई। तो वहाँ मैंने धीरे से जाके कहा कि ये है, तो उन्होंने कहा कि वो अभी है नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं इंतज़ार करती। मैंने इंतज़ार किया, उनको बताई तो फौरन वहाँ से हम चले, 15-20 पुलिस वाले थे। और ये पर हम गए तो उस लड़के से हमने सिंपल ड्रेस पहनी थी, हमने कहा तुम आगे आगे जाओ और तुम देख लो जाके कहाँ से। तो जो पहले शॉप दिखी तो उसने दो मूर्तियाँ वहाँ पर वो जब्त की, वहाँ से जब्त की पुलिस ने। और फिर इसके बारे अंदर में दुकान थी, वहाँ गए उस शोरूम में तो एक सरदार जी थे तो उन्होंने कहा क्या लेना है। मैंने कहा देखना है, तो वहाँ से भी हमने तो जब्त की और इनको जब्त करके हम फौरन वहाँ से निकले। तो हमें सब ने घेर लिया, वहाँ का जो एक वो बहुत बड़ा मार्केट लगता है जहाँ करोड़ों की मूर्तियाँ बिकती हैं उसके पीछे में। तो हाँ जिनकी सरकल्पना तो जानती हो कि सभी लोग आजकल जुटे हुए हैं और वो क्या सोचते हैं कैसे कि आप काम में जुटे हुए हैं, इतने जुटे हुए हैं कि वो खाना पीना भूल जाते हैं और वहाँ जाके सब इतना करते हैं। लेकिन हाँ यदि हम हमारे जो भोजन हैं वो हमारे बहुत मतलब सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट है, इतनी आबादी है उनको, हमको सबको एक साथ लेके एक साथ इकट्ठा होके एक संकल्प लेना चाहिए कि हम इस प्लेटफार्म को इस प्लेटफार्म के द्वारा इनको क्या कहते हैं हम जवाब देंगे। एक 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 उसमें आवाज़ में बात आनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग उसमें आए। हमारी संकल्पना यही है कि बाबा साहब के हम उस पे पद चिन्हों पर चलें जो हमें उन्होंने दिया है और जो उनका जो 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 उनका वो जो इनका जो एक एक उन्होंने इतिहास लिखा है हमारे लिए, हमारे पीछे छोड़ गए हैं वो जो उन्होंने अपना अपनी जीवन में जो जितना किया है और जितना और वो जितना उन्होंने सहा है और उसको लेकर आगे हमारी पूरी जनरेशन बढ़े। और सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि सभी लोग मिलकर के इकट्ठे होकर एक ऐसे भोजन की संकल्पना करें कि जो देश क्या दुनिया जाने कि हाँ ये भोजन है, आज इनके द्वारा ये एक इतिहास रचा गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।